तो भी 30 जून से पूरी दुनिया क्रिकेट के रंग में रंगने वाली है और अब इसमें बॉलीवुड तड़का लगाने का काम किया है सिंगर सनम पुरी और उनके बैंड ने, जिन्होंने स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए एक एंथम क्रिएट किया है और इसे अपनी आवाज दी है। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सनम एंड टीम ने इससे जुड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। इस एंथम के बारे में पहले तो हमें माइकी ने अप्रोच किया था, क्योंकि हम काफ़ी पुराने दोस्त हैं, तो माइकी ने अप्रोच किया, बोला कि ऊबर की तरफ से एक गाना है जो उन्होंने क्रिएट किया है, ऊबर स्पॉन्सर कर रहा है, तो हमें लगा है, और प्लस बोला वर्ल्ड कप के लिए, तो हमें लगा है तो बहुत अच्छा, हम सबको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो हमें लगा अच्छा कनेक्ट है ऊबर क्रिकेट एंड ऑल्सो माइकी, सो यू नो वी लाइक एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, सो इन दिस या सो अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ है। ओके, एक्सपीरियंस कैसा रहा साथ में काम करने का उबर के साथ में और एंथम में गाने का एक्सपीरियंस? अमेजिंग, गाने का एक्सपीरियंस तो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये नॉर्मली जैसे इसमें गाया वैसे मैं गाता नहीं हूँ, तो इसमें थोड़ा चैलेंज था, थोड़ा और मेरे को पुश करना पड़ा, और पुश थोड़ा टाइम लगा मुझे यूज्ड होने में, लेकिन जब हुआ तो फिर मज़ा आया। टर्निंग पॉइंट, आई थिंक टर्निंग पॉइंट तब था जब हमारे बैंड का नाम चेंज हुआ क्योंकि पहले हमारे बैंड का नाम था SQS प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली आपको याद नहीं रहेगा इस इंटरव्यू के बाद ये रीज़न था कि हमने नाम चेंज करा, सो वी जस्ट वॉन्टेड टू कीप समथिंग सिंपल। नाम चेंज करते ही इमीडिएटली रीच भी बढ़ने लग गया, क्योंकि लोगों को समझ आया सनम सिंपल इजी नेम टू रिमेंबर और म्यूजिकल नाम है, काफ़ी लैंग्वेजेस में भी है। पीछे ये कि जब प्लेबैक करते हैं तो एनीवे माइक वो स्टूडियो के अंदर होता है, दिखने का पॉसिबल ही नहीं है तो पहला रीज़न तो ये है। रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैंड के साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, एक इंडिपेंडेंस लगती है, बहुत फ्रीडम लगता है, जब कभी भी जब मन करे गा सकता हूँ, ये नहीं कि ओ दो तीन दिन है हमारे पास टाइम नहीं है जल्दी स्टूडियो आ जाओ नहीं तो फिर मिस हो जाएगा, नहीं तो कोई और सिंगर को गाना मिल जाएगा, उस वो डरा के रखते हैं बेसिकली, तो डरा के रखते नहीं, इंटेंशन वो नहीं है, लेकिन सब डर जाते हैं लेकिन इसलिए तो वो मैं भागना नहीं चाहता लाइफ में, एक एक मोमेंट एन्जॉय करना चाहता हूँ, और कभी गला ख़राब है स्टूडियो में बुला लिया और ठीक से गा नहीं जा रहा, फिर बोलेंगे बकवास सिंगर है, फिर कभी नहीं बुलाएंगे, ये सब चीज़ें होती रहती है तो इंडस्ट्री में, तो मैं पार्टी नहीं बनना इस इंडस्ट्री का तो